प्रेम करने के जुर्म में अपनी जान गंवाने वाले अंकित के नाम पर अब ट्रस्ट बनाया जाएगा। भविष्य में किसी और अंकित के साथ ऐसा न हो, ट्रस्ट इसके लिए प्रयास करेगा। अंकित के पिता यशपाल सक्सेना बस यही दोहरा रहे हैं कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन भविष्य में किसी के साथ अंकित जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून के साथ ही समाज को भी सतर्क रहना होगा। यशपाल सक्सेना ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होगी, ताकि लोग किसी की जान लेने के बारे में सोचने से भी डरें। इसके अलावा समाज में भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मेरा अंकित तो चला गया, लेकिन इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं 100 अंकित को अपने आसपास रखूंगा। अंकित के पिता बताते हैं कि कई लोग डर के कारण दूसरों की मदद करने से बचते हैं। इस डर को दूर करना होगा। अंकित को जब मैं अस्पताल लेकर जा रहा था, तब मैंने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मदद तो दूर, उसे रिक्शा पर लिटाने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। आखिर यह डर क्यों? पिता कहते हैं, इस पत्थर दिल नगरी में जब युवती के पिता ने चाकू निकाला तो लगा कि सब कुछ लोग मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, और देखते ही देखते 2 सेकंड में मेरे बेटे का गला रेत दिया। यशपाल सक्सेना ने कहा कि अंकित के नीचे गिरते ही उसकी माँ कमलेश उससे लिपट गई। उसने अपनी चुन्नी से अंकित के गले से निकल रहे खून को बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने गले पर हाथ डाला, उसकी उंगलियाँ गले में हुए घाव के अंदर चली गई। मैं भी उसे उठाने की कोशिश करने लगा, तभी रिक्शा बुलाया और अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान भी कोई आगे बढ़कर आगे नहीं आया। अंकित की माँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सोमवार को घर पहुँची। वे अब तक गहरे सदमे में हैं। बेटे की तस्वीर देखकर गुमसुम रहती है। उधर पिता भविष्य के बारे में सोचते हैं तो सामने अंधेरा छा जाता है। अंकित के पिता ने बताया कि दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रात में जैसे समय बीतता ही नहीं। अंकित फोटोग्राफी करता था, घर में लगे उसके खींचे हुए फोटो उसकी जीवनता को दर्शाते हैं। अब आखिरी ख्वाहिश यही है कि आरोपियों को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखूं। अंकित के पिता ने कहा कि परिवार के गुजारे के लिए वे फिर अपने पुराने कारोबार में लौटेंगे। पानी की टंकी भरने पर जो अलर्ट बेल बजता है, अंकित के पिता ऐसी ही बेल बनाने के कारोबार से जुड़ रहे हैं। अक्सर तबीयत खराब रहने के चलते अंकित ने ही उन्हें घर पर आराम करने को कहा था, लेकिन अब परिवार के गुजारे के लिए उन्हें फिर से पुराना काम शुरू करना होगा। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।